असलकुम सुबैर उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अपना आज का काम शुरू करते हैं अपनी उर्दू की किताबें खोल लीजिए सफ़ा नंबर सात सफ़ा नंबर सात पर हमारे पास है हैफ मद आ का तारफ हमने पिछले लेक्चर में अलिफ़ लिखा था लिखना सीखा था अलिफ कैसे लिखते थे मेक आ स्ट्रेट लाइन ठीक है अप टू डाउन स्ट्रेट लाइन और अब हमारे पास है अलिफ़ के बाद क्या आता है अलिफ मद अलिफ मद कैसे लिखते हैं बहुत ईजी है आपने पी में लिखना सीखा था मेक अ स्ट्रेट लाइन अप टू डाउन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वन की तरह और उसके ऊपर मद डाल दें तो क्या बनता है अलिफ मद आ ठीक है मेक अ स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर मद क्या बन गया अलिफ मद आ ठीक है अच्छा जी अब हम पढ़ते हैं हम रीडिंग करते हैं अलिफ मद दा आम अलिफमद आइना अलिफमद आँख अलिफ मद आंसू और ऊपर देखें आपके पास एक और भी पिक्चर बनी हुई है लेकिन इसमें कलर नहीं हुए हुए अलिफ मदा आसमान देखिए आसमान पर ही होता है ना सूरज और आसमान पर ही होते हैं बादल तो आपने इस तस्वीर में कलर करने हैं ठीक है थीके? रंग भरने हैं ठीक है थीके? हम दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा रीडिंग अलिफ मदा कैसे लिखते हैं मेक अ स्ट्रेट लाइन अप टू डाउन स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे आप और उसके ऊपर मद डाल देंगे तो क्या बन जाएगा अलिफ मद आ ठीक है अलिफ मद आम कहाँ है आम ये अलिफ मदा आम अलिफ मदा आयना अलिफ मद आंख अलिफ मद आंसू और अलिफ मदा आसमान ठीक है आपने इस पेज की रीडिंग करनी है बहुत बार ताकि आपको ये याद रहे अलिफ वाले पेज की रीडिंग सबको याद है अगर नहीं याद तो सब ने याद करनी है और इस पेज की रीडिंग भी सबने याद रखनी है ठीक है अलिफमद आम अलिफमदा आयना आँख आंख अलिफमद आंसू अलिफमद आसमान ठीक है अब खोल लें अपनी वर्क बुक प्रैक्टिस बुक खोलिए पेज नंबर खोल लेते हैं अभी प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस बुक में सफा नंबर एक सफा नंबर एक पर हमारे पास क्या है हर्फ अलिफ मदा की क्रेसिंग है अच्छा जी ट्रेसिंग भी करनी सब ने सीखी थी पीजी में अभी भी कर लेंगे डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं आपने इन डॉटेड लाइंस के ऊपर पेंसिल ट्रेस करनी है और अलिफ मदा लिखना है ठीक है बहुत नीट एंड क्लीन वर्क हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को तो वैसे कॉपी पे भी लिखना आता है तो अब तो इसमें कोई इशू ही नहीं होगा हमारे पास क्या लिखा हुआ है अलिफ मद आ अलिफ मद आ कैसे लिखते हैं मेक अ स्ट्रेट लाइन और उसके बाद उसके ऊपर मद लगा देते हैं तो क्या बन जाता है अलिफ मद आ ठीक है आपने इस पेज की ट्रेसिंग करनी है और जो अभी पेज की हमने रीडिंग की है वो भी घर में याद करनी है ये हमारा आज का काम था बहुत छोटा सा लेक्चर है बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा पहले काम करना है उसके बाद खेलना है ठीक है जब तक काम फिनिश नहीं होता तब तक नहीं खेलना और बहुत से बच्चों का काम मैंने ऐसा देखा जिनकी कॉपीज़ के पेजेस फोल्ड हो रहे हैं या टर्न हो रहे हैं तो जिन बच्चों की कॉपीज़ के पेजेस टर्न होते हैं वो कैसे बच्चे होते हैं क्या वो गुड बॉयज़ होते हैं या गुड गर्ल्स होती हैं या वो बैड बॉयज़ और बैड गर्ल्स होती हैं तो ये तो आपने देखना है कि आप क्या हैं आप गुड बॉय हैं गुड गर्ल हैं या फिर बैड बॉय हैं या बैड गर्ल हैं अगर आप गुड गर्ल्स एंड गुड बॉयज़ हैं तो अपनी कॉपीज़ के पेजेस टर्न नहीं करने ठीक है बस हमारा ये आज का वक्त था अपना बहुत ख्याल रखिएगा बहुत अच्छा अच्छा काम कीजिएगा हैव अ गुड डे अल्लाह हाफिज़